माँ के गुजरने के बाद मान जी पूरी तरीके से टूट चुके हैं शिविका। सहारे की जरूरत है उन्हें, दुख है पर तुम्हें नहीं टूटना है। तुम टूट जाओगी तो परिवार को कौन संभालेगा? हाँ, आज लोगों को रोने दो, तुम मत रो शिविका। जा मोड़ी, जब से ही घर में आई है ना, एक दिन ठीक से ना गुजरो है। हर रोज कछु ना कछु होते है। जिज्जी, हमें तो जामे कछु ऊपरी हवा नजर आ रही है कि हाँ। बा, होशंगाबाद वाली मौसी ना आएगी? पिन की बहू भी जब से घर आई थी, कछु ना कछु ड्रामा हो रहा हो। बात तो बाद में पतो चलो कि बात ड्रामे वाली थी। हाँ। ए विक्की, किधर जा रही? जाओ जाके हाथ मुंह धो, खाना तैयार है, खाना खाओ। मम्मी, आज मैं चाची के हाथ से खाना खाऊंगी, क्योंकि वो मुझे कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाती है। अरे अरे मिक्की, मिक्की। ए जी, अब तो मिक्की भी तुम्हारी ना सुन रही। जा मौड़ी ने पूरे घर पे अधिकार जमा लो। हाँ, चुप कर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जया की जगह कौ ना ले सके। आग बुझा के, पैर छू के बामोड़ी सब खुद दिल जीतने की कोशिश कर रही ना। पर तुम्हें पता है, जो औरत की अपने पति से ना बने, बाकी कौ से भी ना बने। ये तो है। बा मोड़ी ओमकार से सीधे मुंह बात ना करती है कि, और ये बात सबई को बतो है, और यही बात को फायदा उठा के हम बाकी जीवन में ऐसी आग लगा देंगे कि बा को कौन ना बुझा सकेगा। मुझे 1 किलो का केक ऑर्डर करना है, पाइनएप्पल फ्लेवर जी, और ठीक एक ग्लास होना चाहिए। हाँ, और उस पे लिखिए गेट वेल सून माँ, फ्रॉम दीनू, शालू एंड शिविका जी। थैंक यू। शिविका, आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है, पर और कोई शब्द मिल ही नहीं रहा है। भौजी की जान बचाने के लिए थैंक यू शिविका, और माँ की आखिरी निशानी बचाने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। बच्चे माँ बाप के लिए उनके थैंक यू के लिए कुछ नहीं करते। भौजी मेरे भी भौजी हैं। आज का दिन ही बहुत अच्छा है, माँ भी ठीक हो गई। अब बाबूजी के मन में तुम्हारे लिए जो नाराजगी थी वो भी खत्म हो गई। सब ठीक है, बाऊजी को कुछ नहीं हुआ। और पता है, आज उन्होंने मुझे अपना भी लिया। यहां सब अच्छे हैं। मां की आखिरी तस्वीर भी बच गई, जिसे देखकर बाऊजी बहुत खुश हुए। हाँ, अब लोग थोड़ा बहुत उदास हो गए हैं, लेकिन मां अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता ही देखना चाहती होंगी ना। अगर वो उनको उदास देखेंगी तो वो भी उदास हो जाएंगी। माँ
माँ ऊपर से ये देखकर जरूर खुश होगी क्योंकि बहू एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती है। फोन तो सीधा कर लेती। शिविका खाना खा लो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। ब्रजकिशोर तुम जाओ, हम यहीं रुकते हैं देवकी जी के पास। देवकी जी जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती परिवार का कोई ना कोई सदस्य उनके साथ रहना चाहिए। आज हम यहीं हैं, तुम जाओ। ठीक है जीजा जी, आज आप रुक जाइए, कल दिन में हम रुक जाएंगे। ठीक है। जय जय गुरुजी, जय 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 गुरुजी। अभी गुरु माँ का स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो अच्छा है लेकिन ऐसा लगता है किसी बात से बहुत परेशान है, अंदर से विचलित हो गई है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। गुरुजी क्या बात हो गई, मतलब आपको गुरु माँ ने बताया कुछ? नहीं, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती कैसे बता सकती हैं। बच्चों ने खाना खा लिया? जी गुरुजी, उन्होंने भोजन कर लिया है, अब वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, परंतु दोनों ही गुरु माँ से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। देखो आज रात को मैं यहीं देवकी जी के पास रहूंगा, तुम भोजन कर लो और वहीं सो। कल सुबह डॉक्टर हमें बताएंगे कि देवकी जी को घर कब लेके आना है। जी गुरु जी। जय भोलेनाथ। जय 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 जय। गुरुजी, गुरु माँ कब घर आएंगी इस बात का तो हमें ज्ञात नहीं है, परंतु गुरु माँ कब स्वर्ग सिधारेंगे इस बात की हमें पूर्णता ज्ञात है। आज की रात गुरु माँ की अंतिम रात है। हेलो। ये सर मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जी जी हाँ ठीक है सर। आप ये दवाइयाँ ले आइए, पेशेंट को देनी है। जी अभी लेके आता हूँ। ओके ठीक हाँ बाय। जी बाय। तुम गई नहीं? तुम्हारा वेट कर रही थी।
तुम भी तो चलने वाले थे ना माँ से मिलने, मतलब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो फोर्स नहीं कर रही। तुम्हारी हेल्प आज तक सिर्फ मेरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती आई है। अलका जी प्लीज इसे ले जाइए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं दिखनी। हॉस्पिटल गए थे माँ के पास? बताओ ओमकार क्या किया तुमने उनके साथ? हाँ हाँ शिविका, थैंक यू तुमने माँ से मिलने की परमिशन दी। गुरु माँ आप कब से कितना कुछ कहना चाह रही थी परंतु ये लोग आपकी बातें सुन ही नहीं रहे थे। परंतु गुरु माँ आप चिंता मत कीजिए, आप ऊपर जा रही है ना, जितना चाहे आराम से सब कुछ कहिए और वो लोग आपकी बात सुनेंगे। पता है क्यों? कि जिसकी बात कोई नहीं सुनता ना उसकी बात ऊपर वाले सुनते हैं। ठाकुरू ने कहा था ना हम शाम को आपसे मिलने आएंगे, हम आ गए। माँ, 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 माँ डॉक्टर नर्स कोई है? माँ डॉक्टर, माँ क्या हुआ? एक सेकंड डॉक्टर देखिए ना माँ उठ नहीं रही है। I'm sorry, आपकी माँ नहीं रही। सुबह तो होश आया था, उन्हें बात करी थी मुझसे, कुछ कहना चाहती थी वो। माँ संभालिए अपने आप को, she is no more, I'm sorry। अरे सॉरी कैसे डॉक्टर? ओमकार देखो ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे माँ छोड़कर जा सकती है? माँ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ दीनू शानू पिताजी आपके बिना हम सब अकेले हो जाएंगे। शिविका जी, एक बार जो ईश्वर के घर पहुंच जाता है वो कभी दोबारा लौटकर वापस नहीं आता है, परंतु हम आ रहे हैं ना आपके पास, आपके सर को अपने कंधे का सहारा देने के लिए। पिताजी देखिए ना माँ मेरी बात ही नहीं सुन रही है, वो उठ ही नहीं रही है। आप प्लीज बोलिए ना उन्हें उठने के लिए, आपकी वो सारी बातें सुनती है ना। पिताजी बोलिए ना माँ को उठने के लिए, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। आप कहेंगे ना तो माँ उठ जाएंगी। देवकी जी हमारी अनुमति के आप कुछ नहीं करते, फिर आप हमें छोड़कर जा कैसे सकती हैं? चलिए उठिए, दवाई खा लीजिए। दवाई नहीं खाएंगी तो कैसे ठीक होंगी? उठिए और जल्दी से ठीक होकर घर चलिए, बहुत दिन हो गए हमें आपके हाथों का खाना खाए हुए। चलिए देवकी जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम देर से आए इसलिए रूठ गई हैं, दवाई की दुकान में बहुत भीड़ थी इसीलिए देर हो गई, हम जानबूझकर थोड़ी आए देर से। उठिए देवकी जी उठिए।
फॉर्मेलिटीज पूरी करा दीजिए, हम बॉडी डिस्चार्ज कर देंगे। के गुजरने के बाद मान जी पूरी तरीके से टूट चुके हैं शिविका। सहारे की जरूरत है उन्हें। दुख है पर तुम्हें नहीं टूटना है। तुम टूट जाओगी परिवार को कौन संभालेगा? हाँ, आज लोगों को रोने दो, तुम मत रो शिविका। आज बहुतों के आंखों के आंसू पोंछने हैं तुम्हें शिविका।